नमस्कार, जय हिंद। एक और वीडियो आपके लिए, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर। और ये इन्फॉर्मेशन उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए है जो सेमिनार में, वेबिनार में, पेपर प्रेजेंटेशन में रखते हैं रुचि। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसे सभी विद्यार्थी जो कि सेमिनार में, वेबिनार में, कॉन्फ्रेंस में, पेपर प्रेजेंटेशन में रखते हैं रुचि, और जिनका संबंध है फिल्म मेकिंग से या मीडिया से, कम्युनिकेशन से, पत्रकारिता से, या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से, या फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट से, तो उन सभी के लिए यह इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी आप सभी के लिए। ठीक है, एक संस्था है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल के संस्थान की, जा कहें कि इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी भी है, वो करवा रही है एक आपके स्क्रीन पर इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, ICMCD 2021। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो कर दिया गया है शुरू, अब चलते हैं बहुत ज़रूरी जानकारियों पर। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, जिसका फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव स्टडीज़ डिपार्टमेंट, इस कॉन्फ्रेंस प्लस सेमिनार प्लस आपको कुछ प्राइज़ मनी भी प्राप्त हो सकती है यदि आपका पेपर बेस्ट कैटेगरी में सिलेक्ट होता है और यदि प्रेजेंट होता है। उसका क्या फॉर्मेट है, पेपर्स के सब थीम क्या टॉपिक रहेंगे, कब तक एब्स्ट्रैक्ट भेजना है, कब तक फुल पेपर भेजना है, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, क्या नियम कानून है, सभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपके पास यदि समय है तो वीडियो को देख लीजिएगा, और अच्छा लगने के बाद या बुरा लगने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा कि जानकारी सही समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यूनिवर्सिटी का नाम आप देख चुके हैं, ये आप डेट देख लीजिए, 25 और 26 जून 2021 को ये कॉन्फ्रेंस होनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और फुल पेपर आपको 25 जून से पहले भेजना है। कब तक भेजना है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पर, मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। JLU.edu.in और /ICMCD करेंगे, इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है, इसको हम छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी का ये ब्राउचर है, पूरा आपकी स्क्रीन पर है। ये कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको आप आराम से रीड कर लीजिएगा। आप चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप टीचर हैं, फेलो हैं, शिक्षक हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डिस्टेंस हो, डीम्ड हो, अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, इंटरनेशनल इंटर कल्चरल है इंटर डिसिप्लिनरी, इंटरनेशनल इंटर कल्चरल इंटर डिसिप्लिनरी, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, कोई भी लैंग्वेज हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और पेपर हिंदी में भेजना है, इंग्लिश में भेजना है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा जब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम स्लैश कर देंगे, इसका जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं इसको मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप ये थीम देखिए कि किस किस टॉपिक्स को लेकर या सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपना पेपर लिखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर ये है, मैं कुछ विषय को पढ़ देता हूँ। मीडिया नरेटिव एंड सोशल रिलेटिव, मीडिया ऑडियंस, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एथिक्स, मीडिया रिप्रेजेंटेशन, पावर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, मीडिया क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसके अलावा कम्युनिकेशन थ्योरी एंड सोशल चेंज, मास कम्युनिकेशन हिस्ट्री एंड सोशल सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड कल्चर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड मीडिया, उसके बाद है हेल्थ कम्युनिकेशन इन दी COVID-19 पेंडेमिक, उसके बाद है क्राइसिस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, क्रिटिकल एंड कल्चरल स्टडीज़, जेंडर एंड कम्युनिकेशन, जेंडर एंड इक्वलिटी एंड मीडिया, और उसके बाद है आपका न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट फ्यूचर एंड इशू, रेडियो सिनेमा टेलीविज़न एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज़, अल्टरनेटिव एंड कम्युनिटी मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, विजुअल आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, फिल्म क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। बहुत अच्छा है, जो लोग फिल्मों की समीक्षा करने में रुचि रखते हैं, या चाहे रंगमंच के हों, मीडिया के हों, परफॉर्मिंग आर्ट के हों, नाटक के हों, उनके लिए अच्छा विषय है ये, मास कम्युनिकेशन सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा लास्ट आपका जो विषय है वह है कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कैंपेनिंग। ठीक है, इन विषयों में से किसी भी एक विषय का चयन कीजिए। आप चाहें तो एक से अधिक विषयों पर एक से अधिक भी पेपर भेज सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा पेपर भेजेंगे सबका रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग कराना होगा और सभी की अलग अलग आपको फ़ीस भी जमा करनी होगी ऑनलाइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपने पेपर देख लिए, इसके अलावा और भी टॉपिक है, सभी को पढ़ना संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लिमिट क्या रहेगा, पेपर का मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन, पब्लिश, पार्टिसिपेशन,
ये सब इसके बारे में रूल्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पेपर पब्लिश भी करवा सकते हैं, अच्छा हुआ, और आप चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट भी हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसर्च स्कॉलर होना ज़रूरी है, या टीचर, कोई भी शामिल हो सकता है। आप एनजीओ के स्टूडेंट हैं या एनजीओ में काम करते हैं तो भी शामिल हो सकते हैं। आप किसी प्रकार के कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी शामिल हो सकते हैं। मार्केटिंग में हैं तो भी शामिल हो सकते हैं। मेकिंग में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि ओनली फॉर स्टूडेंट या ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर के लिए नहीं है, इन सभी के लिए है। इन सभी में कौन आते हैं ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सभी संस्थान के लोग, इससे जुड़े हुए लोग, एम्प्लॉयर, सब इसमें शामिल हो सकते हैं। फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रेजेंटेशन के बारे में दे रखा है। अब देखिए, दी बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन अवार्ड, ये दी बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन अवार्ड विल बी गिवन टू दी मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, ए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड बाय दी पार्टिसिपेट हु हैज रजिस्टर्ड अंडर द स्टूडेंट कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट मास्टर विल बी कंसिडर, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। यानी कि रिसर्च स्कॉलर नहीं, यूजी और पीजी के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट कैटेगरी पेपर जो होगा उसके लिए आपको अवार्ड भी किया जाएगा और आपको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कैश प्राइज कितना होगा वह संस्थान बताएगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एब्सट्रैक्ट को लेकर के आ गया है, 250 से लेकर 300 शब्दों में आपको अपना एब्सट्रैक्ट भेजना है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपने SOP के बारे में सुना होगा, उसी का छोटा सा पार्ट होता है, इसमें दिया भी हुआ है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ए कि वी इनकरेज एकेडमिक मीडिया पार्टिसिपेशन एंड रिसर्चर टू सेंड कंप्लीट एब्सट्रैक्ट विच इज़ द समरी इन पेपर ए सबस्टेंट इंक्लूडिंग इट्स, इसमें क्या गया है, पर्पज़ होना चाहिए, आपकी मेथोडोलॉजी, आपका क्या रिजल्ट है और क्या कंक्लूजन है, एंड फ्यू कीवर्ड्स, यानी कि 5 कम से कम आपको कीवर्ड भी रखने होंगे एब्सट्रैक्ट में। और जब आप अपना फुल पेपर भेजेंगे तो आपको उसके अंदर अपनी बिब्लियोग्राफी भी भेजनी होगी, यानी कहाँ कहाँ से आपने अपने पेपर को लिखने के लिए कुछ पुस्तकों का, आर्टिकल का, मैगजीन का सहारा लिया है, उसको भी उसमें ऐड करना होगा फुल पेपर में। लेकिन एब्सट्रैक्ट आपको शॉर्ट भेजना है, इन शॉर्ट में समरी भेजनी है समझ लीजिए, और बिब्लियोग्राफी फुल पेपर में भेजनी है कंप्लीट पेपर में, ठीक है। टाइम न्यू रोमन 14 बोल्ड, टाइम न्यू रोमन में आपको अपना वो लिखना है पेपर, ठीक है। और फॉन्ट साइज 12 रखना है, ये जो फॉन्ट साइज 14 दिया गया है ये टाइटल का दिया हुआ, लेकिन जो टेक्स्ट साइज रहेगा वो आपका 12 रहेगा, उसके नियम कानून ये देख लीजिएगा। और अपना प्रोफाइल भी लिखकर भेजिएगा, अपना परिचय कम से कम 100 वर्डों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एब्स्ट्रैक्ट असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है वो उसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने पेपर को लिखकर सेंड करना है और भेजना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लिंक और ब्रीफ लिंक इसका यूनिवर्सिटी को लेकर और इसका ब्राउचर के सब अलग अलग लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी कोई मन में समस्या उत्पन्न तो हो ही जाती है किसी भी कारण से, ठीक है। और गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंडीशंस और रूल्स देख लीजिए, फुल पेपर के क्या रहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट के क्या रहेंगे, दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट वाला ये दिया हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला एब्स्ट्रैक्ट का है, और फुल पेपर के लिए आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। आपकी स्क्रीन पर इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बिना इसके आप भेजेंगे तो आपका हो सकता है कैंसिल भी हो जाए और फीस रिफंड नहीं होगी रजिस्ट्रेशन की। इस बात का ध्यान रखें, कॉन्फ्रेंस का वेन्यू या आपकी स्क्रीन पर है, वर्चुअल, फुल्ली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन लास्ट 3 वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस का पब्लिकेशन और ये रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। स्टूडेंट हैं यदि आप तो आपको 200 रुपये देने होंगे, आपका उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और यदि पेपर सेलेक्ट होता है तो आप प्रेजेंट भी कर पाएंगे। यदि रिसर्च स्कॉलर है, मतलब आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट का मतलब है आप यूजी के हों या पीजी के हों 200 रुपये है, एमफिल पीएचडी के हैं तो 500 रुपये है, और यदि आप डेलीगेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं और डेलीगेट्स एंड एकेडमिक्स हैं तो आपके एकेडमिक्स का मतलब टीचर्स फेलो है, टीचर्स हैं तो 750 रुपये का आपका रखा गया है। और यदि आप टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, रिसर्च फेलो नहीं है, कहीं किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी बड़े पद पर है, तो आपको 500 रुपये देना होगा इंडिया के लिए, और आउट ऑफ इंडिया का जो है, जो भी स्टूडेंट कैटेगरी स्कॉलर है उनके लिए अलग अलग चार्जेस दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, मैं भी दे दूंगा, और फोन पे और ये गूगल पे, पेटीएम, इससे अपनी पेमेंट करिएगा कोड करके, ये बैंक से भी भेज सकते हैं पेमेंट को। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, फुल पेपर 20 तारीख तक भेजना है, इस बात का ध्यान रखिए, 20 जून तक रजिस्ट्रेशन भी 20 जून तक करवाना है, और नोटिफिकेशन जो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है उसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 7 से 6 दिन
हैं आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट भेज दीजिएगा 5 तारीख तक, और फुल पेपर आपको 20 तारीख तक भेजना है। और जब तक एब्स्ट्रैक्ट भेजने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन मेल नहीं आता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया गया है, तब तक रजिस्ट्रेशन भी मत करवाइएगा, फुल पेपर भी मत भेजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ विशेष पदाधिकारियों के नाम और उनका परिचय वगैरह दिया हुआ है, आप देखना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी और वेबसाइट है। कुछ ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, कुछ समस्या आई तो आप यहाँ से फ़ोन से या ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये स्पॉन्सर है, तो यह है एक कॉन्फ्रेंस प्लस सेमिनार प्लस से आपका पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर होने वाली 25 और 26 जून को ICMCD की 2021 की ये कॉन्फ्रेंस हो रही, जिसमें आप शामिल होना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हैं। और हाँ, माध्यम शायद मैंने नहीं बताया है, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए, हिंदी माध्यम में ही आपको अपना पेपर भेजना है, हिंदी माध्यम में ही एब्स्ट्रैक्ट भेजना है, हिंदी माध्यम में ही कॉन्फ्रेंस होगी। अभी अलग है कि जो वक्ता लोग आएंगे वो अपनी बात को हिंदी में रखेंगे, अंग्रेजी में रखेंगे, उसकी जानकारी अभी क्लियर कट नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक, जो भी PDF फाइल के लिंक, जो भी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिए हैं, उनका सही समय पर सही तरीके से यूज़ कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई कमी रही हो, कोई सूचना छूट गई हो तो बताइएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।